आबिद साकी साहब, आप भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? मेरा मौकफ ये है कि देखें, ये जो जज साहबान है, इन्होंने मेरा ख्याल है एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ये लेटर लिखे हैं, वरना मेरी राय में ये है कि जिन लोगों के साथ ये इंटरफेरेंस हो रही है, जिनके राइट टू प्राइवेसी वायलेट किया जा रहा है, जिन लोगों के मैटर्स में अदालत के अंदर पेंडिंग मैटर्स में जो इदारे, जो लोग, जो अफराद इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो अदालतें खुद प्रोसीड कर सकती हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत प्रोसीड कर सकती हैं, और वो उनको टेक देम टू द टास्क। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जज साहबान ने दानिशमंदाना रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक इंडिविजुअल इशू नहीं रहा, अब दिस इज अ थ्रेट टू द एंटायर सिस्टम ऑफ द जस्टिस सेक्टर, राइट, इसको एक इसको कलेक्टिव एक रिस्पांस, एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस के तरीके से इसको हल किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी तारीख साज एक काम किया है कि वो खुद तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, तो जो करोड़ों लोग जो इस निजाम इंसाफ के जरिए जलील और रुस्वा हो रहे हैं, उनकी भी आवाज, मेरा ख्याल है अब इस आवाज के साथ शामिल होने का वक्त आ गया है। ठीक है।